श्री श्री राधा श्याम सुंदर देव की जय। उबन में जब कोई सुगंधित पुष्प प्रस्फुटित होता है तो उसके मधुर सौरव से उबन का कोना कोना महक उठता है। मधुर सौरभ को छुपा कर रखना या किसी एक स्थान तक सीमित ही रखना असंभव है। इसी प्रकार श्री श्यामानंद प्रभु जी को प्राप्त उज्जवल बिंदुयुक्त नुपुर तिलक, श्री श्यामानंद नाम, श्री श्याम सुंदर जी के अपूर्व लावण्यमय श्री विग्रह की ख्याति भी श्री ब्रजमंडल के घर घर में परिव्याप्त हो गई। मगर इसके साथ कुछ संशय के बीज भी अंकुरित होने लगे। इधर गौड़ मंडल से कुछ वैष्णव महानुभाव श्री ब्रज दर्शन के लिए आए हुए थे। उन लोगों ने ब्रजमंडल से वापस जाकर श्री श्यामानंद प्रभु जी के श्री गुरुदेव श्री हृदय चैतन्य अधिकारी ठाकुर जी के निकट श्री श्यामानंद प्रभु जी के विषय में बिल्कुल विपरीत घटना व्यक्त करते हुए कहा कि श्री कृष्णदास अर्थात श्री श्यामानंद जी अपने आदि गुरु श्री हृदय चैतन्य अधिकारी ठाकुर जी का परित्याग करके एवं इसी कारण उनके पहले का तिलक एवं श्री कृष्णदास नाम का परिवर्तन करके एक नए तिलक श्यामानंद तिलक एवं नया नाम श्यामानंद ग्रहण कर लिया था। अपने परम प्रिय शिष्य से संबंधित ऐसे दुस्संवाद ने श्री हृदय चैतन्य प्रभु जी को असह्य मार्मिक पीड़ा से आहत कर दिया। श्री दुखी कृष्णदास ने अपने आदि गुरु का परित्याग करके वैष्णवीय परंपरा की मर्यादा का हनन करके अशास्त्रीय कर्म किया था एवं इस कारण उनको भीषण नरक भोगना पड़ेगा। इस प्रकार सोचते सोचते वे बहुत कातर हो गए। गौड़ मंडल से 64 महंतों, द्वादश गोपालों तथा अन्य विशिष्ट वैष्णवों को लेकर यह अत्यंत उद्विग्न चित्त से श्रीधाम वृंदावन के धीर समीर में आ पहुंचे। श्री कृष्णदास जी के विषय में वैष्णव रीति के अनुसार क्या करना कर्तव्य होगा यह सुनिश्चित करने के लिए श्रीधाम वृंदावन के कल्प कुंज रासस्थली में एक विशाल वैष्णव सभा का आयोजन किया गया। इस सभा के आरंभ में श्री हृदय चैतन्य अधिकारी ठाकुर जी ने श्री कृष्णदास जी से प्रश्न किया कि किसके निर्देश से श्री कृष्णदास ने अपने गुरु प्रदत्त नाम तथा तिलक का परिवर्तन किया था। इसके उत्तर में श्री दुखी कृष्णदास जी ने अत्यंत विनम्रता पूर्वक हाथ जोड़कर कहा कि श्री गुरुदेव की कृपा से ही उनको श्यामानंद नाम तथा बिंदुयुक्त राधा चरणाकृति नुपुर तिलक प्राप्त हुए थे। यह उत्तर सुनकर श्री हृदय चैतन्य प्रभु जी अत्यंत संतुष्ट और रुष्ट होकर बोले कि श्री कृष्णदास जी के कथन के अनुसार श्री हृदय चैतन्य प्रभु की कृपा से ही श्री कृष्णदास जी के नाम और तिलक का परिवर्तन हुआ था, किंतु स्वयं श्री हृदय चैतन्य प्रभु इस विषय में कुछ भी नहीं जानते थे। इस कारण वे स्वहस्त से श्री कृष्णदास जी के नाम और तिलक को पानी से भलीभांति धोएंगे। यदि धोने पर भी नाम तथा तिलक पुनः प्रकाशित हो जाएंगे तो ये समझेंगे कि वह सब परिवर्तन उनकी ही कृपा से हुआ था, अन्यथा मिथ्याचरण और मिथ्या भाषण के कारण उनको अर्थात श्री दुखी कृष्णदास जी को वैष्णव समाज से निष्कासित कर दिया जाएगा।
इसके पश्चात श्री हृदय चैतन्य प्रभु ने उपस्थित वैष्णवों, द्वादश गोपालों, 64 महंतों सभी के समक्ष श्री कृष्णदास जी के ललाट पर स्थित श्री राधारानी जी के चरणाकृति वाले बिंदुयुक्त नूपुर तिलक तथा उनके बक्षस्थल पर लिखित श्यामानंद नाम को अपने हाथों से पानी के द्वारा मल मल कर उत्तम प्रकार से धो दिया। उपरोक्त धोत कार्य पूर्ण होने के पश्चात श्री श्यामानंद प्रभु जी ने उपस्थित वैष्णवों से दो दंड का समय मांगकर श्रीमती राधारानी जी के पंचादशाक्र सड़ई सज्जपूर्ण राधा मंत्र का जप करना आरंभ कर दिया। मंत्र जप करते ही वे सिद्ध मंजरी स्वरूप से श्री ललिता जी के माध्यम से नित्य धाम में श्रीमती राधारानी जी के चरणारविंद में पहुंच गए, जहां उन्होंने श्री वृंदावन की विचार सभा के विषय में श्री राधारानी जी को अवगत कराया। श्रीमती राधारानी जी के आदेश से उनके चचेरे भाई श्री सुबल जी, जो कि श्री कृष्ण जी के प्रिय नर्म सखा भी थे, श्री श्यामानंद प्रभु जी को नूतन श्यामानंद तिलक तथा श्यामानंद नाम के विषय में अभयदान देने पर ये पुनर्बार अपने भक्त स्वरूप में लौट आए। तत्पश्चात श्रीमती राधारानी जी की अशेष करुणा से श्रीधाम वृंदावनस्थ धीर समीर की विचार सभा में श्री कृष्णदास जी के ललाट का तिलक तथा बक्षस्थल पर लिखित श्यामानंद नाम, जिनको श्री हृदय चैतन्य प्रभु ने सभी वैष्णवों के सम्मुख ही भली भांति उत्तम प्रकार से धो दिया था, दोबारा पहले की अपेक्षा और अधिक उज्जवल होकर प्रकाशित हो गए। इस चमत्कार का अवलोकन करके उपस्थित 64 महंतों, द्वादश गोपालों तथा अन्य विशिष्ट वैष्णवों ने श्रीमती राधारानी की जयकार ध्वनि से श्री वृंदावन के जमीन आसमान को मुखरित कर दिया। श्रीमती राधारानी जी की श्री कृष्णदास जी के प्रति ऐसी साक्षात कृपा, अलौकिक कृपा, दिव्य कृपा सभी उपस्थित जनों के समक्ष इस प्रकार निश्चित रूप से प्रमाणित होने पर समग्र वैष्णव समाज श्री कृष्णदास अर्थात श्री श्यामानंद जी को धन्य धन्य कहने लगा। उपरोक्त घटनाक्रम के पश्चात श्री हृदय चैतन्य प्रभु 64 महंतों तथा द्वादश गोपाल आदि के साथ श्री ब्रजमंडल के 84 को यात्रा पर निकले। श्री श्यामानंद प्रभु जी ने भी उन सब का अनुगमन किया। यात्रीगण द्वादश वन तथा उपवनों का दर्शन करने के उपरांत नंदग्राम और बरसना के बीच में संकेत कुंज में आ पहुंचे। वहां पर उस समय श्री राधा कृष्ण जी के मधुमय रासलीला का मंचन हो रहा था। श्री राधा कृष्ण जी के अपूर्व रास नृत्य के दर्शन करके श्री श्यामानंद जी गोपी भाव से भावित होकर अपने माथे पर घूंघट निकालकर कमर हिला हिला कर गोप ललनाओं की भांति मधुर मधुर नृत्य करने लग पड़े। मगर श्री श्यामानंद प्रभु जी ने उनके प्राण श्री कृष्ण के सखा भाव का परित्याग करके श्रीमती राधारानी जी के सखी भाव का आश्रय ग्रहण कर लिया था। अपने मन में ऐसा विचार करके श्री हृदय चैतन्य अधिकारी ठाकुर जी, जो सखा भाव के उपासक थे, श्री श्यामानंद प्रभु जी पर क्रोध करने लगे। श्री हृदय चैतन्य प्रभु जी के बार बार मना करने पर भी जब श्री श्यामानंद प्रभु जी गोपी भाव का परित्याग करने से इनकार कर दिया, तो श्री हृदय चैतन्य प्रभु ने क्रोधावेश में उनके पीठ पर 2-3 बार कठिन रूप से वित्राघात कर दिया। उसी रात्रि को
श्री हृदय चैतन्य अधिकारी ठाकुर ने स्वप्न में श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु जी के दर्शन किए। उन्होंने देखा कि श्रीमान महाप्रभु जी के काश कुसुम सा शुभ्र वर्ण उत्तरीय स्थान स्थान पर रक्त रंजित था। श्री हृदय चैतन्य प्रभु ने उनकी दुर्दशा का कारण पूछा, जिस पर श्रीमान महाप्रभु ने बताया कि श्री हृदय चैतन्य प्रभु ने ही श्री श्यामानंद प्रभु जी के गात्र पर जो कठोर वेत्राघात करके उनको जर्जरित किया था, वास्तव में उसी के चिन्ह श्रीमान महाप्रभु जी के कोमल शरीर पर विद्यमान थे। सुनकर श्री हृदय चैतन्य अधिकारी ठाकुर अत्यंत मर्माहत हुए। वो आर्तनाद करने लगे कि उन्होंने स्वयं अपनी इष्ट देव अपने प्रभु के श्रीअंग पर आघात किया था। श्रीमान महाप्रभु जी ने इस घोर वैष्णव अपराध के लिए श्री हृदय चैतन्य प्रभु को दंड स्वरूप द्वादश दिवसीय दंड महोत्सव आयोजित करने का आदेश दिया। दूसरे दिन श्री हृदय चैतन्य प्रभु ने सभी वैष्णवों को उपरोक्त घटना तथा श्रीमान महाप्रभु जी द्वारा प्रदत्त दंड के विषय में सूचित कर दिया। किंतु जब श्री श्यामानंद प्रभु जी को सारे घटनाक्रम और श्रीमान महाप्रभु जी द्वारा श्री गुरुदेव के प्रदत्त दंड के विषय में पता चला तो ये बहुत ही दुखी हो गए। उन्होंने समस्त वैष्णवों से प्रार्थना की कि श्री हृदय चैतन्य प्रभु के स्थान पर दंड महोत्सव आयोजित करने के लिए उनको अर्थात श्री श्यामानंद प्रभु जी को आज्ञा दी जाए। श्री श्यामानंद प्रभु जी के मन में अपने गुरुदेव के प्रति इतनी श्रद्धा तथा भक्ति थी, यह देखकर सभी वैष्णव बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने एक मत से श्री श्यामानंद प्रभु जी को दंड महोत्सव आयोजित करने की आज्ञा प्रदान कर दी। फलतः श्री श्यामानंद प्रभु जी ने श्री जीव गोस्वामी पाद तथा ब्रजवासी वैष्णव की सहायता से श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु जी द्वारा आदेशित प्रथम दंड महोत्सव श्रीधाम वृंदावन में समारोह पूर्वक संपन्न किया। महोत्सव के पश्चात श्री हृदय चैतन्य अधिकारी ठाकुर 64 महंतों, द्वादश गोपालों तथा अन्य विशिष्ट वैष्णवों के साथ गौड़ मंडल को लौट गए और श्री श्यामानंद प्रभु जी पूर्ववत श्री श्याम सुंदर जी की प्रेम सेवा में पूर्ण रूपेण निमज्जित हो गए। इन्हीं दिनों एक और अभूतपूर्ण लीला का संघटन हुआ। एक रात श्री श्याम सुंदर जी ने श्री श्यामानंद प्रभु जी को कहा, हे श्यामानंद, मेरे राधा रानी जी भरतपुर के महाराजा के राज प्रसाद में प्रकट हुई है, तुम उनको वहां से लाकर मेरे साथ सम्मिलित कराओ। उधर भरतपुर के महाराजा के रत्न भंडार में श्रीमती राधा रानी जी ने स्वयं एक छोटे से किशोरी स्वरूप में शिव ग्रह के रूप में प्रकट होकर स्वप्न में महाराजा को आदेश दिया, राजन, मेरे श्री श्याम सुंदर जी श्रीधाम वृंदावन में श्री श्यामानंद की कुंज में प्रकट हुए हैं, तुम उनके संग मेरा शुभ विवाह सुसंपन्न करो। सपनादेश का पालन करते हुए सुभाग्यशाली महाराजा अपने महारानी राजपुरोहित तथा अमात्य गणों के साथ श्रीमती राधारानी जी के ऊपर शिव ग्रह को संग लेकर श्रीधाम वृंदावन पधारे तथा ईस्वी सन 1580 के बसंत पंचमी वाले दिन श्रीमती राधारानी जी के साथ श्री श्याम सुंदर जी का शुभ विवाह श्री श्यामानंद प्रभु जी की कुंज में अत्यंत समारोह पूर्वक जीव गोस्वामी पाद के सान्निध्य में संपन्न कर दिया।
अति शुभ विवाह के पश्चात भरतपुर नरेश ने देखा कि श्री श्याम सुंदर जी श्री श्यामानंद प्रभु के भूगर्भस्थ भजन कुटीर में ही सेवित हो रहे थे। इसलिए उन्होंने एक विशाल मंदिर का निर्माण करा दिया, जिस पर श्री श्याम सुंदर एवं श्री राधारानी जी, जिनको ब्रजवासीगण प्यार से लाला लाली कहते हैं, श्यामानंद प्रभु जी के उस भूगर्भस्थ भजन कुटीर से आकर इस नवनिर्मित मंदिर में विराजमान हो गए थे। इसी समय भरतपुर के महाराजा ने श्री राधा श्याम सुंदर जी के सेवा के लिए छोटीकरा गांव भेंट कर दिया। जयपुर के महाराजा ने भी श्री राधा श्याम सुंदर जी के दर्शन करने के लिए श्री धाम वृंदावन में श्री श्यामानंद प्रभु जी के कुंज में पधारे और श्री राधा श्याम सुंदर जी के दर्शन करके वे इतने मोहित हो गए कि श्री राधा श्याम सुंदर जी के सेवा के लिए उन्होंने श्यामली गांव भेंट में दी। श्री श्यामानंद प्रभु के जीवन में एक के बाद एक घटित ऐसी अलौकिक लीलाओं के दर्शन करके श्रील जीव गोस्वामी पाद ने सर्व वैष्णवों की सम्मति से श्रीधाम वृंदावन में श्री श्यामानंद जी को प्रभु की उपाधि से विभूषित कर दिया।